पाकिस्तान दे मियांवाली एयरबेस ते शनिवार सवेरे होया अतवादी हमला। हथियारों नाल लैस 6 आतंकवादी हमलावर हवाई सेना दे सिखलाई कैंप च होए दाखल। 6 अतवादियों चो 3 दी होई मौत, 3 दी पाल जारी। बीती रात नेपाल च महसूस किए गए भूचाल के झटके, हुण तक 141 लोगों की मौत, 1000 तो वध लोग होए जख्मी। नेपाल दे नाल नाल उत्तर भारत च भी महसूस किए गए भूचाल के झटके, भारत च किसी तरह की भी नुकसान तो रहा बचा। महाराष्ट्र के रायगढ़ विच फार्मास्यूटिकल कंपनी विच धमाके तो बाद अग लगन कारण 4 व्यक्तियों की हुई मौत। NDRF दीयां टीमां वल्लों लापता 7 व्यक्तियों की भाल जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच आप आगू राजकुमार आनंद तो लगभग 23 घंटे तक पूछगिछ तो बाद ईडी ने आनंद ते चीन नूं पैसे भेजन दा लगाया दोष। बटाला च पुलिस की गैंगस्टर नाल होई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग विच पुलिस ने गैंगस्टर की लत ते गोली मार के किया गिरफ्तार। 5 दिनां च गैंगस्टरां ते पुलिस विचकार होई दूजी मुठभेड़। लुधियाना च रिश्वत लैंदिया विजिलेंस के अड़िके चढ़े SMO अते BAMS डॉक्टर सानेवाल के कुलविंदर सिंह वालों दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर किया गया गिरफ्तार। अमृतसर के गोल्डन गेट नेड़े गोलियां चलाने के मामले में पुलिस ने निहंग सिंह हरमन सिंह विरुद्ध मामला दर्ज किया है। हाल ही में सोशल मीडिया से निहंग सिंह की हवाई फायर करदे दी वीडियो हुई सी वायरल। पंजाब विच पराली साड़न कारण सूबे की आबो हवा हुई खराब। बीते 3 दिनों के अंदर 5,359 मामले हुए रिपोर्ट। पराली साड़न के सब तो वध मामले अमृतसर तो आए सामने। सेमीफाइनल तो पहला भारतीय टीम नूं लगा वड्डा झटका। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विश्व कप तो होए बाहर। पांड्या की जगह टीम च शामिल होणगे प्रसिद्ध कृष्णा।